शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएनआई न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले अब सर्वे सामने आने शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, कई ओपिनियन पोल हैं, कई सर्वे हैं जो सामने आ रहे। आखिरकार इन सर्वे में जीत किसकी होगी, किस राजनीतिक पार्टी को फायदा मिलेगा, किसकी सरकार बनेगी और कौन गद्दी पर बैठेगा, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। और इसके साथ ही ये भी बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता चाहती क्या है, माहौल क्या है उत्तर प्रदेश का। सबसे पहले जानिए उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है। उत्तर प्रदेश का माहौल इस वक्त बहुत ज्यादा अलग हो चुका है। जी हाँ, चुनावी मौसम में जिस तरह से बदलाव हुए हैं, ये चुनावी मौसम में बदलाव होना सत्ता पक्ष को जुखाम देता नजर आ रहा है। जिस तरह से अगर देखा जाए, कभी जो मौसम बदलते हैं, मौसम में परिवर्तन होता है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, तो मौसम जिस तरह से बदलते हैं, ठीक चुनाव के समय भी चुनावी मौसम बदला करते हैं। और चुनावी मौसम जब बदलते हैं तो किसी एक को तो नुकसान होता है, किसी एक को फायदा होता है। और आज अगर जुखाम किसी को हो रहा है तो सत्ता पक्ष को हो रहा है, अगर पेट में दर्द किसी को हो रहा है तो सत्ता पक्ष को हो रहा है, वो हो भी क्यों ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जो योगी सरकार का साथ छोड़ रही है, उत्तर प्रदेश की जनता जो ये समझ गई है कि ये वही सत्ता पक्ष के लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये वही सत्ता पक्ष के लोग हैं जो मंदिर मस्जिद बनाने का काम करते हैं, लेकिन बात करते हैं, काम कुछ नहीं करते। और बहुत बड़े हद तक आज देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनता का झुकाव प्रियंका गांधी की तरफ है। आज उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं का समर्थन प्रियंका गांधी को मिलना, इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े हद तक बदलाव होता नजर आ रहा है। यानी मौजूदा समय की अगर बात करें तो जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से बदलाव हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में बहुत बड़े अंतर से कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलने वाला है। चुनावी सर्वे कहते क्या है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से पहले जो चुनावी सर्वे निकल कर सामने आए हैं, ये चुनावी सर्वे इस ओर इशारा करते हैं कि फिलहाल प्रियंका गांधी की जीत तो तय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मेहनत करती नजर आ रही है, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसका फायदा उन्हें आने वाले समय में जरूर मिल सकता है। मौजूदा समय की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मौजूदा समय के जो हालात हैं वो साफ तौर पर इस ओर इशारा भी कर रहे हैं कि जो जो स्थितियां हैं वो पार्टी के लिए दिखती नजर आ रही। दरअसल आज कांग्रेस पार्टी सच्चाई के साथ खड़ी है, आज कांग्रेस पार्टी ईमानदारी की लड़ाई लड़ रही है, आज कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है। प्रियंका गांधी आज जनता के मुद्दों को उठा रही है। एक और जहां सत्ता पक्ष हिंदू मुस्लिम करते करते नहीं थक रही है, मंदिर मस्जिद करते नहीं थक रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है जो जनता के मुद्दों को उठा रही है। और हाल ही की अगर बात करें तो एक तस्वीर है जिस पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो तस्वीर है मुलायम सिंह यादव की और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुलायम सिंह यादव के साथ बैठे नजर आते हैं, एक तस्वीर वायरल होती है। हालांकि इस तस्वीर पर अखिलेश यादव से पूछा भी गया था, लेकिन अखिलेश यादव बात को टाल जाते हैं। देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव का आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ बैठना, चाय नाश्ता करना, बातचीत करना, उसके बाद अखिलेश यादव का पीएम मोदी की तारीफ करना, पीएम मोदी के बिल पर तारीफ करते हुए अपनी बात करना, तो ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम आज अगर कोई कर रहा है तो सत्ता पक्ष और समाजवादी पार्टी। यानी सत्ता पक्ष और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर जिस तरह से आज काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत बड़े हद तक आज उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को यह तय करना है कि किसके साथ जाना है, उत्तर प्रदेश की जनता को यह तय करना है, ये सोचना है कि किसको मौका देना है, क्योंकि आज बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि जिस तरह चीजें बदल रही हैं, जिस तरह से माहौल बदल रहा है, यानी कि ये तमाम तरह की स्थितियों का उलटफेर होना, यहाँ पर चुनाव से पहले हालातों का बिगड़ना, तो ये सत्ता पक्ष के लिए अच्छी बात नहीं है। हालांकि सत्ता पक्ष की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सत्ता पक्ष ने अभी तक कई चुनावी दांव चल दिए हैं, प्रियंका गांधी की राह पर चलने पर मजबूर हो चुके हैं पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ। दरअसल प्रियंका गांधी ने चुनाव से पहले 40% महिलाओं को टिकट देने का काम किया,
ठीक है ऐलान किया। प्रियंका गांधी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की, महिला सुरक्षा पर बात कही है, स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली जो बच्चियां हैं उन्हें स्मार्टफोन स्कूटी देने की बात की, और यही काम योगी सरकार करती नजर आ रही है, यही काम पीएम मोदी करते नजर आ रहे। तो ये देखा जा रहा है कि आज प्रियंका गांधी की लहर से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार डर चुकी है। बहुत बड़े हद तक आज देखा जा रहा है कि जिस तरह बदलाव हो रहे हैं, जिस तरह चीजें बदल रही हैं, इसका साफ मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव होना तय है। उत्तर प्रदेश में इस बार तस्वीरों का बदलना तय है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह तस्वीर बदलेगी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह माहौल बदलेगा, इसका मतलब ये है कि वाकई बहुत बड़े हद तक चीजें बदल रही हैं, बहुत बड़े हद तक बदलाव हो रहा है। हालांकि इन सब के बीच अगर हम यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की मेहनत को आज सफल बनाने में जनता का योगदान दिखता नजर आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जनता की बात कर रही है और जनता कांग्रेस पार्टी की बात कर रही है। यही वजह है कि आज सत्ता पक्ष को डर है कि कहीं उनके हाथ से सत्ता ना निकल जाए। हालांकि अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी ने देश में 70 साल राज किया है, कांग्रेस ने देश में 70 साल चीजों को बनाया, लेकिन उसको बिगाड़ने का काम मोदी सरकार ने किया है, उसको खराब करने का काम मोदी सरकार ने किया है। यानी कि 70 साल कांग्रेस ने बनाया है और मोदी जी ने उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। आज चीजों का निजीकरण कर दिया गया है। चीजों का निजीकरण कर देने से, बैंकों का निजीकरण होने से, LIC का निजीकरण होने से, बंदरगाह का निजीकरण होने से आज जनता परेशान है, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में कभी निजीकरण नहीं किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो नारा देश नहीं बिकने दूंगा, यानी कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, और पीएम मोदी ने नारा तो दिया था लेकिन देश उन्होंने बेच दिया, देश झुक गया, क्योंकि आज सरकार विफल रही है, आज सरकार बड़े स्तर पर विफल रही। और आज यही वजह है कि जनता अब मोदी सरकार को बहुत बड़े हद तक सत्ता से नीचे गिराना चाहती है। जनता चाहती है कि मोदी सरकार को सत्ता से नीचे गिराया जाए ताकि जनता दूसरी पार्टी को मौका दे सके। इस वक्त जनता कांग्रेस पार्टी को मौका देने की बात कर रही है, इस वक्त जनता कांग्रेस के साथ जुड़ने की बात कर रही है, और आज यही वजह है कि जनता कांग्रेस के साथ धीरे धीरे जुड़ रही है, जनता धीरे धीरे कांग्रेस को मौका देती नजर आ रही है। और फिलहाल की अगर हम बात करें, अगर जनता ने बहुत बड़े स्तर पर कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस के साथ जुड़ती है, तो इसका मतलब ये है कि अब सत्ता पक्ष की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से तस्वीर साफ हो जाएगी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार जनता का मूड क्या है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस राजनीतिक पार्टी की जीत होगी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस राजनीतिक पार्टी को फायदा मिलेगा, उस राजनीतिक पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी फायदा मिलता नजर आएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव तय करेगा कई राजनीतिक पार्टियों की किस्मत। और बहुत बड़े हद तक आज देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए सत्ता पक्ष ने एड़ी चोटी का जोर तो लगा दिया, लेकिन कितने कामयाब हो पाएंगे ये वक्त तय करेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।